रात को टिंकू मंकू नाम के दो चोर एक घर के पास गए। मंकू वो घर के बड़े गेट पर छड़ा। इतने में टिंकू उस गेट को धक्का मारा, वो गेट खुल गया। बेवकूफ, कम से कम ये तो देख लेते कि गेट खुला है या नहीं, बस चढ़ने लगे। उतरो नीचे। दोनों बहुत मेहनत से उस घर के अंदर घुसे। घर में एक लोहे की अलमारी खोले, वहाँ देखा तो सिर्फ एक रुपए का सिक्का था। पूरी की पूरी अलमारी खाली पड़ी थी। चा, बेकार में इतनी मेहनत की है रे, सब बेकार हो गया। तुम रुको रे, ये घर का मालिक चोरों का ही चोर जैसा है, हमें चकमा देने के लिए ऐसा प्लान किया होगा। आओ मैं बताता हूँ। दोनों रसोई में गए। टिंकू एक डब्बा खोला, उसमें से नोटों की गड्डिया निकाला। मंकू वो देखकर हैरान रह गया। वहाँ पानी का घड़ा था, टिंकू उसमें हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाला। फिर वे हॉल में आए, वहाँ एक कार वाला खिलौना था। टिंकू आकर उस कार से नोट निकाले, वो फिर उन पैसों को और सोने को लेकर निकल गए। एक और दिन वे दोनों एक शॉपिंग मॉल के पास गए, वहाँ एक बाइक थी। आ, मुझे वो बाइक चाहिए रे। फिर दोनों उस बाइक के पास गए। टिंकू उस बाइक के हैंडल को घुमाया। इसका हैंडल लॉक नहीं लगाया हुआ रे, ले जाना बहुत आसान होगा। लेकिन उस बाइक के पीछे वाले टायर पर चेन लगाकर ताला लगाया हुआ था। मंकू वो देखकर, अरे कोई फायदा नहीं रे, ये पीछे वाले टायर को ताला लगा चुके हैं। रे तुम कब सुधरोगे रे, कहकर अपने बैग से दो स्केटिंग शूज बाहर निकाला। उन स्केटिंग शूज को दोनों टायर के नीचे लगाया। टिंकू बाइक पे चढ़ा, मंकू उसे धक्का मारते हुए ले गया। एक दिन टिंकू मंकू से, हमारी बुद्धि इतनी है, मेरा मतलब मेरी बुद्धि इतनी है कि ये छोटे छोटे चोरी नहीं करनी है रे, अब सीधा छह मारना चाहिए, अब सिंगल नहीं ले सकते। तो क्या करे रे, टाउन में HDMI बैंक में बहुत कैश है सुना है, हम उस बैंक को लूट लेंगे, फिर उन पैसे से कहीं दुबई या मॉरिशस के लिए रवाना होकर वहाँ सेटल हो जाएंगे, तब हम चोरों की तरह नहीं राजा की तरह जी सकते हैं। तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है यार, कब प्लान करे, कल रात निकले क्या? तेरा मुंह, वही तुम में और मुझ में फर्क है, रात को पुलिस वाले बैंक के इर्द गिर्द घूमते हैं, वही सुबह हो तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन सुबह सुबह तो बैंक सिक्योरिटी होती है ना यार, उनके हाथों में तो बड़े बड़े गन्स होते हैं ना, हमें चिड़ियों की तरह मार देंगे रे। हम कोई कस्टमर की तरह थोड़ी ना मेन एंट्रेंस से जाएंगे, पीछे के बैंक को ही तोड़ देंगे। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, परसों रविवार बैंक की छुट्टी होती है ना, मैं JCB से बैंक के पीछे वाले दीवार को तोड़ दूंगा, तुम वही समय कंटेनर ट्रक ले आओ, सारी कैश उसमें लोड करके मुंबई चलेंगे, फिर वहां से शिप में दुबई चलेंगे, बैंक की पूरी राबरी आधे घंटे में हो जानी चाहिए। ओहो, मुझे सिर्फ ट्रक पकड़ कर लाना है, वो तो बहुत आसान है, वो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर रविवार के दिन टिंकू JCB लेकर बैंक के पीछे गया। उस JCB से बैंक की दीवार तोड़ दिया, वहां बहुत पैसे थे। इतने में मंकू एक ओपन लॉन्ग ट्रक लेकर आया। टिंकू वो देखकर दंग रह गया। रे गधे, कंटेनर ट्रक लाने को बोला था, ये ओपन ट्रक लाया क्यों? क्या ये कंटेनर ट्रक नहीं है क्या? टिंकू उसे एक जोर से दे मारा। तुझ पर विश्वास किया तो मुझे खुद के सर पर चप्पल से मारना चाहिए। खैर अब टाइम है, पहले कैश चढ़ाते हैं, चलो। फिर वो कैश भरकर जाने लगे। जैसे जैसे वो ट्रक जा रहा था, हवा में नोट उड़ने लगे। सारे लोग ऐसे ही पैसे इकट्ठा करने लगे, वो ट्रक के पीछे भाग रहे थे। इतने में एक पुलिस चेक पोस्ट आया, SI उस ट्रक को रोके, दोनों ट्रक से उतरे। अरे
अरे वो तो बच्चे के खेलने वाले नकली नोट है सर, वरना आप ही बताइए ऐसे ओपन में क्यों ले जाएंगे। हाँ सर, HDMI वाले प्रिंट बना कर दिए हैं। टिंकू उसे दबीब करके दे मारा। अब पूरी बात समझ में आ गया रे, चलो पुलिस स्टेशन। कहकर उन्हें जेल में डाल दिए। टिंकू मंकू को बहुत पीटा। गाजियाबाद नाम के गांव में गंडीपेट नाम का बस्ती हुआ करता था। एक बार एक भयंकर बीमारी के कारण पूरा देश लॉकडाउन में चला गया था। बच्चों को स्कूल ना होने के कारण सारे बच्चे खुशी से गलियों में खेल रहे थे। इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करूं तो अच्छा होगा। यूं गवर्नमेंट स्कूल टीचर गुरु पंडित ने सोचा। एक दिन उनके बस्ती में कॉर्पोरेट स्कूल टीम वाले आए। अपने स्कूल के बारे में प्रचार करते हुए टीम वाले, हमारा स्कूल बहुत महान है, लॉकडाउन होने के बावजूद हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसीलिए आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भर्ती करवाएं। फीस कितना होगा? करीब 1,00,000 तक होंगे। इतनी महंगी स्कूल में ये बस्ती वाले नहीं पढ़ पाएंगे, आप कृपया चले जाइए। उनके जाने के बाद गुरु पंडित, अरे कॉर्पोरेट स्कूल जैसे इन बस्ती वालों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए इनके पास तो मोबाइल फोन तक नहीं है, आप क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यूं सोचते हुए जंगल से गुजर रहा था, तब एक स्वामी जी उसके आगे आकर, क्या हुआ बेटा, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? गुरु पंडित जो हुआ वो सब बताया। चिंता मत करो बेटा, ये लो ये माया टीवी को लेके जाओ, ये सब तुम्हारे परेशानियों को दूर करेगी। अगले दिन वो उस बड़े से मायावी जायंट टीवी को गली में रखा। इतने बड़े टीवी को देखकर बस्ती वाले हैरान रह गए। बाप रे बाप, इतना बड़ा टीवी कौन लेकर आया है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े टीवी को कभी नहीं देखा। मैं इसमें नागिन सीरियल देखूंगी, कितना मजा आएगा। सीरियल वीरियल कुछ नहीं देखना है, इसमें तो हम IPL ही देखेंगे। पूजा आंटी और गुलाब सिंह को रोकते हुए, रुकिए रुकिए, ये मैं छोटे बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। ओ पंडित जी, आप लेकर आए हैं क्या? बढ़िया है बढ़िया है, फिर हम इसमें कल से IPL देखेंगे। इतने बड़े टीवी में IPL देखेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा, स्टेडियम में देखने वाला फीलिंग आएगा। नहीं गुलाब सिंह, ये टीवी में तुम्हारे IPL या उनके सीरियल के लिए नहीं लेके आया हूँ। ये बस्ती के बच्चे बिना स्कूल खाली बैठे हुए हैं, इनकी पढ़ाई चलती रहने के लिए मैंने ही इंतजाम किया है, ताकि हमारे बस्ती के बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से अच्छा पढ़ाई कर सके। इससे पूजा आंटी और गुलाब सिंह, ओहो बच्चों के लिए बहुत अच्छा विचार है पंडित जी, फिर बच्चों की पढ़ाई के बाद हमारे लिए सीरियल्स और क्रिकेट मैच भी लगाइए प्लीज प्लीज। ठीक है देखते हैं, पहले यहाँ बेंच का इंतजाम कीजिए। वो माया टीवी ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो चलते हुए आंख और बोलने वाले मुंह से बना हुआ गुड़िया हो। बच्चों आज सबसे अच्छा दिन है, मैं आप सबसे यूं ऑनलाइन माध्यम से मिलना बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन पढ़ाई के पहले हम इस चल रही भयंकर रोग से कैसे बचे और उसका निवारण कैसे करें, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ऐसे मुश्किल घड़ी में हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और मास्क हमेशा पहनना चाहिए और एक दूसरे के करीब ना आते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे बच्चों को देखकर गुरु पंडित, बच्चों को अच्छे से सीख मिलते हुए देखकर बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन मेरे मन में दो परेशानियां हैं। एक, जहां हमने टीवी रखा है वो विट्ठल पहलवान का जगह है, वो हर दिन यहां लॉरी पार्क करता रहता है, अब वो आकर पता नहीं क्या झगड़ा करेगा। दूसरा, बस्ती में रहने वाला टीवी चोर साहू, उसे टीवी दिखा तो बस यूं ही चुरा लेगा। अब इन दोनों से कैसे बचा जाए यही मेरा डर है। इतने में विट्ठल पहलवान लॉरी लेकर आते हुए हॉर्न मारने लगा। अबे कौन है जो इतना बड़ा टीवी लाके इधर रखा है, इतने सारे बच्चों को यहाँ बिठाया, पता नहीं क्या ये विट्ठल पहलवान की लॉरी रखने की जगह है, जल्दी उठिए और इस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो ये लॉरी से कुचल दूंगा। कहते हुए वार्निंग दिया। देखो विट्ठल पहलवान, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई करना इन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा, मुझे रखने के लिए कोई और जगह नहीं मिली इसीलिए यहाँ रखा गया, कुछ दिनों के लिए तुम अपने लॉरी को कहीं और पार्क कर लो। ये सुन के विट्ठल पहलवान, ए माया टीवी ऐसा नहीं चलेगा, और बच्चों चलो निकलो इधर से, क्या एक बार बोलने से समझ में नहीं आता क्या, देखो अब क्या करता हूँ। यूं कहते हुए लॉरी को लेकर उनको टक्कर मारने लगा। बच्चे सारे वहाँ से भाग निकले।
लॉरी बेंचेस को मारते हुए टीवी को भी टकराने वाला था, तभी माया टीवी पहलवान के साथ उसकी लॉरी को भी अपने अंदर निगल गई। सारे बच्चे ए कहते हुए ताली बजाए और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। इतना बड़ा टीवी देखकर साहू नाम का वो चोर इस टीवी को किसी भी तरह चुराना होगा सोचा। अरे अब तक जितने टीवी को मैंने चुराया वो अलग सा हिसाब है और ये टीवी का तो अलग ही हिसाब होने वाला है। चोरी करे तो ऐसे टीवी को चोरी करना चाहिए, इस टीवी को मार्केट में बेचने से बहुत लाभ मिलेगा। यूं सोचते हुए सबके सोने के बाद आधी रात को एक बड़ा लॉरी लेकर आया और उस टीवी को चुराने की कोशिश किया, लेकिन वो बहुत हिलाने पर भी वो टीवी हिला नहीं। कुछ देर बाद उस टीवी में एक पुलिस वाला ऑनलाइन आया। अरे ये क्या कर रहे हो साहू? सर सर यूं कहते हुए मन में, अरे ये पुलिस वाला टीवी के अंदर से मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? यूं सोचा। देखो साहू, तुम अब तक बहुत चोरी कर चुके हो, लेकिन तुम इस टीवी को नहीं चुरा सकते हो क्योंकि हम अब इसे ऑनलाइन हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। तुम बहुत समय से बच गए हो बेटा, अब तुम नहीं बचोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर पुलिस वाले जीप में आकर उसे अरेस्ट कर लेकर चले गए। अपने बस्ती के सारे परेशानियां दूर होने के बाद बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से खुशी से पढ़ाई करने लगे।